देवास के युवा इंजीनियर की युवा सोच, बच्चों के नन्हे हाथों में शोभा पाएंगे अब देसी खिलौने। पहली इकाई देवास से निर्माण कार्य प्रारंभ करेगी। प्लेयोट कंपनी के खिलौनों को खेलकर देश की आन बान शान और आय बढ़ाएंगे बच्चे। मेक इन इंडिया का सपना जमीन पर उतरने लगा है, न सिर्फ देश के विविध स्थानों पर बल्कि देवास और इंदौर जैसे शहरों में बड़े उद्योगों का आगाज होने जा रहा है। खुशी की बात है कि खिलौनों के निर्माण के लिए ख्यात रहे इंदौर में इन उद्योगों ने एक बार दम तोड़ने के बाद पुनः जोश के साथ दस्तक दी है। उससे भी ज्यादा खुशी की बात है कि प्ले कंपनी की पहली इकाई देवास से और अपना कार्य प्रारंभ। इसका कार्यालय इंदौर होगा और यह सब संभव हो पा रहा है देवास के एक युवा इंजीनियर की युवा सोच से। चीनी सामानों के आने से हमारे देश के उद्योगों को खासा आघात लगा था। दशक तक इंदौर में चमड़े के खिलौने के निर्माण की इकाइयाँ आबाद थी। उस समय यूरोप, अमेरिका और पश्चिम के तमाम देशों में निर्यात किए जाते थे, लेकिन चीनी खिलौनों के आने से भारत के उद्योग बर्बाद होने लगे। सन 2000 के आते आते इंदौर का खिलौना उद्योग पूरी तरह से चौपट हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन दिनों नए भारत का सपना साकार ले रहा है और मेक इन इंडिया के तहत देसी खिलौना इकाइयों को बल मिला है। इसी के तहत इंदौर फिर से इस क्षेत्र में जीवंत हो रहा है। केंद्र सरकार द्वारा खिलौना उद्योग पर आयात ड्यूटी 20% से बढ़ाकर 60% करने के बाद चीनी खिलौनों की आवक कम हो गई है। ऐसे में देवास व इंदौर के इस क्षेत्र में सुनहरे दिन आए हैं और खिलौना उद्योग से जुड़कर यहाँ के उद्योगपति कार्य करने के लिए तैयार हुए हैं। देवास के उद्योगपति श्री तन्मय चौधरी इस क्षेत्र में पूरी लगन के साथ कार्य करने को तत्पर है तथा उन्होंने इस दिशा में काफी कार्य भी कर लिया है। हातोद देपालपुर इंदौर में खिलौना क्लस्टर तैयार हो रहा है, इसकी औपचारिक घोषणा भी की जा चुकी है। यह कार्य एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के बैनर तले हुआ। इस क्लस्टर के तहत इंदौर में मेक इन इंडिया ब्रांड ने जोरदार दस्तक दी है। देवास के युवा इंजीनियर व उद्योगपति श्री चौधरी खिलौना निर्माण कर जल्द ही अपने उत्पाद बाजार में लाएंगे। उन्होंने इसके लिए मजबूत प्लानिंग को साकार करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया है। वह दिन बहुत खुशगवार होगा जब बच्चों के हाथों में देसी खिलौने होंगे। बाजार की गहन रिसर्च के बाद यह उद्योग निर्माण के लिए पूरी तरह तैयार है। देवास में कार्य प्रारंभ हो रहा है। इन उद्योगों के माध्यम से मेक इन इंडिया द्वारा 50 लाख करोड़ के चीनी खिलौना बाजार को चुनौती दी जा रही है। इधर खिलौना क्लस्टर के तहत जमीन को चुनने का क्रम भी जारी है। देपालपुर और हातोद क्षेत्र में भी जमीन चिन्हित हो चुकी है। क्लस्टर में विविध स्थानों पर इकाइयां स्थापित करने के लिए उद्योगपतियों को AIMP द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। फोम और रेगजिन से बनाए जाने वाले ये खिलौने पूरी तरह से मेक इन इंडिया होगा। इनके आतिथ्य में शुरू हुआ खिलौना उद्योग। देवास के युवा इंजीनियर तन्मय चौधरी ने खिलौना उद्योग को लेकर जो सपना देखा था वह आखिरकार सच हुआ। इस उद्योग का औपचारिक शुभारंभ इंदौर के होटल सयाजी में उद्योग इकाइयों के अग्रज गिरीश मंगला, प्रमोद डफरिया, योगेश मेहता, तरुण व्यास, नीलेश त्रिवेदी, अजय चौहान आदि की उपस्थिति में संपन्न। 3 साल तो अस्तित्व में लाने में हो जाते जैसा इन्होंने कहा। अब इनके व्यापार को 1000 दिन हो चुके हैं। 1000 दिन का एक फॉर्मूला होता है। अगर आप कोई भी दुकान फैक्ट्री अगर शुरू कर रहे हैं तो उसमें 1000 दिन आपको समर्पण देना आवश्यक है। 1000 दिन अगर आप उस व्यापार में टिक गए तो मान के चलिए कि वो व्यापार से आपको आप कोई बाहर नहीं कर सकता है, जब तक कि आप कोई बड़ी गलती ना करें। तो अब मैं इस विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो प्ले आउट है अब ये पटरी पर दौड़ चुका है। आज उसका इग्निशन ऑन कर दिया हमने और आने वाले 1 दशक बाद, 10 साल बाद जब हम देखेंगे तो कहीं कहीं आप लोग ये गवाह रहेंगे कि यार इसकी लॉन्चिंग में हम गए थे और आज ये कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है। ये भारत का बहुत बड़ा ब्रांड बनेगा सॉफ्ट टॉयज में। आज चाइना से जो लोग सॉफ्ट टॉयज लाते हैं, अपना ब्रांड लगाते हैं, दिल्ली में कई लोग है, इससे दुगनी तिगनी कीमत पर माल बेच रहे हैं। लेकिन इनका कॉन्सेप्ट ठीक है, हमको कम रेट में देश के अंदर निर्माण करना है और अपने निर्मित चीजों को स्कूलों में, कॉलेजेस में, घरों में, बच्चों के रूम में, एक एक रूम तक इनका ये टॉयस पहुंचेगा। ऐसा मैं बिल्कुल देख रहा हूँ, इनकी आंखों में एक सपना है
और इस सपने को पूरा करने के लिए आज हमारे बीच में सभी उपस्थित हुए हैं, श्री चौहान साहब, नीलेश त्रिवेदी जी और भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं। चौहान साहब ने तुरंत घोषणा कर दी, टॉय क्लस्टर में जमीन लो तन में, हम तुमको जमीन देंगे। त्रिवेदी साहब ने बोल दिया, आपको जो सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चाहिए, जिस स्कीम में सपोर्ट चाहिए, हम आपको उस स्कीम में सपोर्ट करेंगे। उसके अलावा हम जैसे हमारे उद्योगपति साथी भी यहाँ कई बैठे हैं, एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के रोहन गुप्ता जी, मनीष चौधरी जी, गोपाल भावसार जी, जी हमारे उद्योग केंद्र से स्वप्निल जी आए हैं, सब आप लोग सब भी आए हैं, सब इसको कॉपरेट करने के लिए आए, और यही कॉपरेशन ये चीज बदलेगा। तो अब मैं ज्यादा 2018 में हमने प्रियॉट के लिए मैन्युफैक्चरिंग चालू करी थी, टॉयज बनाने के लिए हमने चालू करा था। हमने जो बनाए थे टॉयज हमारे रिजेक्ट रहे थे हमारी नजर में ही, उसके बाद हमने उस पर R&D करके आज 2-3 साल बाद आज फाइनली हम उनको लॉन्च कर रहे हैं आपके सामने। उसमें बहुत मेहनत लगी, बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े रहे, सबका सहयोग रहा उसमें हमको ये काम में आगे बढ़ाने के लिए। अब इस स्टेज पे आके आज इंदौर में AIMP का सपोर्ट है, MSME डिपार्टमेंट हमारे साथ खड़ा है, आज DIC खड़ा है, योगेश जी का एक स्पेशल सपोर्ट है हमारे लिए हर चीज में, थैंक यू योगेश जी उस सपोर्ट के लिए। प्लेऑर्ट हमारे दिमाग में कहां से आया, हम कहां से लाए इस प्लेऑर्ट को? एक्चुअल हम चाह रहे थे ट्रेडिंग करना टॉयज की, 2018 में हम ट्रेडिंग करना चालू करना चाहते थे, जिसके लिए मैं दिल्ली विजिट करने गया था। वहां पे विजिट करते करते ऐसा लगा कि ये चीजें तो हम भी बना सकते हैं, इसमें से कुछ बना सकते हैं। तो 2018 में हमने उसको चालू करा, बनाते बनाते आज हमने उसको बहुत बड़ा रूप दे दिया है आप लोगों के सहयोग से, और 2021 आज हम उसको लॉन्च कर रहे हैं, 9th of January 2020 में हम उसको लॉन्च कर रहे हैं। इंपोर्ट जो हम टॉयज कर रहे थे चाइना से, उसके लिए मोदी जी ने जो अभी सपोर्ट करा मेक इन इंडिया का, आत्मनिर्भर भारत का, उससे प्रेरित होकर ही हमको भी और वापस से सपोर्ट मिला उस चीज के लिए। नहीं तो एक बार 2018-19 में हम भी थोड़े से डिमोटिवेट हो गए थे उस चीज को लेकर कि कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, पर अब जाके इसको ऐसा लगता है कि हमको इतना सपोर्ट मिल चुका है कि इसको अब आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए हमको सबको एक साथ टॉयज इंडस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट करना पड़ेगा, सबको कहीं ना कहीं आगे आना पड़ेगा। और जैसे कि हमारे योगेश जी का कहना है कि ये चीज ऐसे ही नहीं चलती, हर चीज के लिए शपथ लेनी चाहिए, तो हमें सबको इस चीज की शपथ लेनी चाहिए कि हमको इंडियन मार्केट के टॉयज ही लेना चाहिए, चाइनीज मार्केट को बॉयकॉट करना चाहिए। सपोर्ट के लिए, रेगुलर सपोर्ट के लिए, AIMP के सपोर्ट के लिए, MSME डिपार्टमेंट भी अब सपोर्ट में खड़ा है हमारे साथ, नए युवाओं के लिए जुड़ा हुआ है। DIC का भी अभी बहुत कुछ MSME के साथ चल रहा है कि नए लोगों को मौका दिया जाए। सभी लोग यहाँ पे जितने भी बैठे हैं मेरे लिए सपोर्टर्स ही हैं। हमारे देवास से अभी बहुत ही VIP हमारे लिए आए, गिरीश जी, मंगला जी अभी आए हैं, वो मेरे बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं हमेशा। सर आपको देख के हिम्मत आई है मुझे अभी वापस बोलने की, थैंक यू सो मच सर। क्या लेना? और गिरीश जी मैं चाहूंगा आप भी प्लीज स्टेज पे आ जाइए एक बार। गिरीश जी के लिए जोरदार तालियां एक बार प्लीज, वेलकम फॉर गिरीश मंगला जी।